लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ नहीं दे सकती। अबीर ये तुम क्या कह रही हो? अब हम एक मासूम बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया ना, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिलाल को ले जाकर अबीर को देने की? आज दुनिया की कोई भी ताकत मुझे बिलाल को ले जाने से नहीं रोक सकती। ठीक है आपसे तो बहस करना बेकार है। अरे आपने बिलाल को अबीर की गोद से छीन क्यों नहीं लिया? मैंने छीनने की कोशिश की थी पर वो मुझ पर ही हावी हो गई, अपने तेवर दिखाने लगी। अगर मैं बिलाल को जबरदस्ती उसकी गोद से ले भी लेती तो मुझ पर हाथ भी उठा सकती थी। अम्मी अगर वो आपके साथ ऐसा अमल करती तो मैं उसका हाथ तोड़ कर रख देती। मैं उस वक्त वहां होती तो किसी भी कीमत पर बिलाल को नहीं जाने देती। मैंने पूरी कोशिश करके देख ली मगर वो अपने आप से बाहर हो गई थी। उस वक्त तुम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अम्मी हमें फौरन उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दे देनी चाहिए। मैंने वो भी करके देख लिया। फिर मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया था मगर पुलिस ने मेरी फरियाद नहीं सुनी बल्कि अबीर का साथ दिया। इंस्पेक्टर ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप जबरदस्ती करेंगी तो आपको हवालात भेज दिया जाएगा। लो फिर तो हमारे लिए सारे रास्ते ही बंद हो गए। जब पुलिस ही हमारी मदद नहीं कर सकती है तो कोई और क्या करेगा? वो अताहा तो पहले से खामोशी इख्तियार किए बैठे। समझ में नहीं आता कि मैं ये जंग आखिर अकेले कब तक लड़ूंगी। अम्मी वैसे अब आपको कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी इस घर से चली गई बस समझ लीजिए हमेशा के लिए मर गई है। अबीर को तो मैं मरा हुआ मान भी हूं मगर बिलाल को कैसे भूल जाऊं? बिलाल हमारे खानदान का चिराग है, इस घर की शान है। मैं खामोश नहीं बैठूंगी, मैं अबीर को सबक सिखाकर छोड़ूंगी। अबीर क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि हमने जहां से शुरुआत की थी हम फिर से वहीं वापस आ गए? हमारी इतनी सारी कोशिश और मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला। आप बजा फरमा रहे हैं। इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो तो बिलाल की किलकारियों से जरा दिल बहल जाता है वरना मैं यही सोच सोच कर पागल हो जाती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अबीर मैं इस तरह शिकस्त का मुंह नहीं देख सकता। फिलहाल हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। अबीर मैं हारने वालों में से नहीं हूं। मैं अपनी इस हार को जीत में तब्दील करके रहूंगा। लेकिन कैसे? तुम्हें उस घर में वापस जाना ही होगा। उस घर में ताहा और अन्हा के अलावा सभी मेरे खिलाफ हैं। यहां तक कि अब अब्बू भी मुझे गलत समझने लगे।
जब तक अब्बू मेरी तरफदारी करते रहे, अम्मी की उनके आगे एक ना चली। लेकिन पता नहीं अब अब्बू को क्या हो गया है। अभी जब वक्त का मिजाज बदलता है तो हम दर्द भी अपने दुश्मन बन जाते हैं। मंजिल करीब आते आते अपने आप ही दूर चली जाती है। तुम्हें फिर से अलियावर साहब का भरोसा जीतना होगा। भाईजान, क्या हुआ? आप इस तरह से खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं आना, मुझे तना छोड़ दो। भाईजान आप परेशान हैं, मैं आपकी परेशानी की वजह ना पूछूं और आपको तनहा छोड़ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अब्बू ने आपसे कुछ कहा? नहीं। तो फिर अम्मी ने कुछ कहा होगा? नहीं। तो भाईजान आपकी परेशानी की वजह क्या है? बात यह है ना कि हमारे होते हुए भाभी जान को इस घर से निकाल दिया, वो भी इल्जाम लगाकर, और हम कुछ नहीं कर पाए। भाईजान, भाभी जान बेकसूर है। क्या ये तुम अच्छी तरह जानती हो? जी हाँ। उनके साथ क्या हुआ तुम जानती हो? हाँ भाईजान, जानती हूँ। तो मुझे खुलकर बताओ कि इसमें किसका हाथ है और उन पे क्या इल्जाम लगाया गया? भाईजान, ये अम्मी और बाजी की साजिश है। सबूत नहीं है हमारे पास। अना, तुम सिर्फ इतना पता लगाओ कि मंतशा की खास सहेली कौन है। से गिला करने से क्या हासिल हुआ? ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? अब्बू, भाभी जान के साथ गलत हुआ है। ओ, तो आप अपनी भाभी जान की वजह से परेशान हैं? जी हाँ, भाभी जान को बेइज्जत करके घर से निकाल देना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये उनके साथ नाइंसाफी है अब्बू। आपकी भाभी जान के साथ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था जो आपकी अम्मी जान ने हटा दिया। अभी पच्चलन है। अबू प्लीज, भाभी जान के लिए इस तरह के अल्फाज मत निकालिए। खुदा के लिए उन पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। वो नहायत ही नेक और शरीफ औरत है। आप हमारी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ है। बिना किसी वजह के हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाते। अगर कोई गैर बात
आपकी भाभी जान को फोन करके ये कहता है कि बच्चे को लेकर चली आओ, हम इस शहर से फरार हो जाएंगे। तो अब भाभी जान से मुझे ये उम्मीद नहीं है, जरूर इसमें अम्मी की कोई चाल है और ये बात मैं साबित करके ही रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। बहरहाल अमजद भाई के यहां ये पहुंचवा दो। जी भाईजान, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम सब कुछ जानती हो ना, फिर भी अनजान बन रही हो। उस दिन तुमने मुझे ऑफिस में फोन करके घर जल्दी आने को कहा और जब मैं घर लौटा तो तुमने अपनी बात बदल दी। ऑफिस से घर पहुंचने तक कोई ना कोई बात जरूर हुई है जिसकी वजह से तुमने अपना इरादा बदल दिया। बताओ ना, क्या छुपा रही हूं मुझसे? मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूं भाईजान। ठीक है ना, तुम भी चाहती हो कि भाभी जान घर नहीं लौटे, उनके साथ इंसाफ नहीं, तुम्हारा दिल भी अम्मी और बाजी की तरह सख्त हो चुका है, भूल गई वो सारी कुर्बानी जो भाभी जान ने हमारे लिए दी। भाभी जान ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जान दो मुझे। अगर मैंने सच्चाई बयां कर दी तो अम्मी बिलाल का गला घोट देंगी, उनकी इसी बात की वजह से मेरी जुबान बंद है। तुम बेफिक्र रहो ना, बिलाल भाभी जान के पास पहुंच चुका है और भाभी जान उसकी हिफाजत कर रही है। अम्मी ख्यालों में भी बिलाल तक नहीं पहुंच सकती। तुम सिर्फ मुझे सच्चाई बताओ बस। भाईजान, भाभी जान को घर से निकालने के लिए अम्मी और बाजी ने ये सारा ड्रामा किया है। हाँ, तो ये बात है। बाजी की सहेली सायमा और उसके भाई ने मिलकर ये सारा ड्रामा किया है। सायमा का भाई हारिस भाईजान का बचपन का दोस्त है, वो एक स्टेज एक्टर है, लोगों की आवाज की हूबहू नकल उतारना उसका पेशा है। उसी ने हारिस भाई की आवाज में भाभीजान को फोन किया और उन्हें धोखा दिया। अच्छा, तो ये है सारा ड्रामा। अना, हमें भाभीजान को इंसाफ दिलाना ही होगा और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बाजी की दोस्त सायमा के नंबर की। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, आपने मुझे याद किया? सोनाली बता रही थी आप बहुत गुस्से में थे, क्या मुझसे कोई गलती हो गई बाबा? जुबी, देख रहा तुम दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुम समझदारी से काम लेती तब तक अली यावर का काफी कुछ बिगाड़ चुकी होती, लेकिन नहीं, तुम अब तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बाबा, आप भी जानते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है। मैं और जुबी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, बस बस सही मौके और वक्त का इंतजार है। सही मौके और वक्त का इंतजार है? अरे, मौके का इंतजार करते रह जाओगे और बाजी हाथ से निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा बाबा। क्या आपको अपनी जुबी पर से एतबार उठ गया? एतबार उठ नहीं गया, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि अब ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। बाबा, आप मेरी हौसला अफजाई करने के बजाय मुझे कमजोर बना रहे हैं। तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा तुम्हें, ये याद दिला रहा हूं कि तुम्हारा मिशन क्या है। और हाँ, ये कभी मत भूलना, अली यावर सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, मेरा भी दुश्मन है। वो हंसता है तो मेरे दिल में नश्तर छुपते हैं। ये उन पुलिस के डॉक्यूमेंट हैं जिसमें तुम्हारा अब्बू और मेरा अब्बू पार्टनर्स हैं।
अपने अब्बू की कंपनी में पार्टनर की हैसियत से मैंने सिग्नेचर्स कर दिए। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हुए। ताहर, तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे अब्बू को तो कोई एतराज नहीं होगा ना? वो मेरा हेडेक है, तुम बेफिक्र रहो। देखो, मैं बाद में कोई परेशानी नहीं चाहती। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम मेरा यकीन करो। ऐसा करके तुम्हें तो कोई पछतावा नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। मैं तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच दा। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। प्रीता, मैं अपनी हर गलती पे शर्मिंदा हूँ और मुझे अफसोस है कि अब अफसोस करके कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी किया अपनी अब्बू की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। प्रीता, तुमने वाकई मुझे माफ कर दिया? हाँ ता, अब हमें एक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू अ लॉट प्रीता। आज मुझे लग रहा कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिल गया। प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट है जिसमें तुम्हारा अब्बू और मेरा अब्बू पार्टनर्स हैं। ऐसा करके तुम्हें तो कोई पछतावा नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। अब हमें एक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। I love you very much. I love you too a lot, Rida. आज मुझे लग रहा कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिल गया। क्या सोच रही हो रिदा? कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। क्या तुम अपने आप पर शर्मिंदा हो रही हो? किस बात पर? तुमने ताहा को अपने प्यार के जाल में उलझा लिया और अब उसे बेवकूफ बना रही हो। ये झूठ है, ये झूठ नहीं हकीकत है। तुमने उसके सारे प्रोजेक्ट्स पर उसके सिग्नेचर दे दी और अब उसे धोखा दे रही हो। मैं उसे कोई धोखा नहीं दे रही, बल्कि जो धोखा उसने मुझे दिया मैं सिर्फ उसका जवाब दे रही हूँ। कैसा लोग, उसने मेरे अब्बू को बेइज्जत किया, उनके दिल को तकलीफ पहुंचाई, मेरी बहन को मुझसे जुदा कर दिया। अब मैं जो कुछ भी कर रही हूँ एक औलाद का फर्ज निभाने के लिए कर रही हूँ। फर्ज तो तुम निभा रही हो, लेकिन क्या तुमने कभी ताहा के बारे में सोचा है? जब ताहा को इस हकीकत का पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस पर? क्या वो ये तकलीफ बर्दाश्त कर पाएगा? क्या तुम ये दर्द सह पाओगी? तुम अपने हाथों से अपने अरमानों का गला घोट रही हो। ना मुझे ताहा के दर्द की कोई परवाह है और ना ही अपने अरमानों की। मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरे वालिदैन की खुशियों के लिए है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। वालदेन अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं उसके बदले में वो उनसे कुछ भी नहीं चाहते। मैं कुछ समझी नहीं अब्बू। बेटे, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने तुम्हारी परवरिश के बदले तुम्हारी खुशियों की कुर्बानी ले ली। नहीं अब्बू, ऐसा मत कहिए। आपने मुझसे कोई कुर्बानी नहीं ली। मेरा आपकी तरफ क्या फर्ज है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी खुशी सिर्फ आप लोगों के लिए है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए जिंदा हूँ। हेलो। हेलो ताहा, मैं अभी बोल रही हूँ। भाभी जान, भाभी जान कैसी हैं आप? खुदा का शुक्र है। और बिलाल? वो भी ठीक है। भाभी जान, आपकी बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी तुम्हारी अनाना की बहुत आती है, लेकिन वक्त और हालात से मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ भाभी जान,
आप अना को और मुझे बहुत चाहती हैं। भाभी जान, आपको इस घर में दोबारा आना है। ये कैसे हो सकता है ताब? ये नामुमकिन है। अभी तो अम्मी के साथ साथ अब्बू भी मुझसे नफरत करने लगे। भाभी जान, भाभी जान प्लीज रोइए मत। आपको इस घर में वापस मैं लाऊंगा भाभी जान। तसल्ली हुई। किस बात? मैंने ताहा को फोन किया था। अच्छा, और उसका क्या रिएक्शन था? वो मुझसे हमदर्दी जता रहा था। कहा उसे और अना को मेरी और बिलाल की बहुत याद आ रही है। अच्छा? जी हाँ, उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं उस घर में वापस आ जाऊं। तो रोने की एक्टिंग करके मैंने उसे कहा कि कैसे हो सकता है। तो उसने बोला मैं आपकी मदद करूंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम वहां जाने का तुम्हारा एक रास्ता तो खुला। मुझे पूरी उम्मीद है ताहा मेरी मदद जरूर करेगा। मैंने चिंगारी लगा दी, आग भड़कने में कोई वक्त नहीं लगेगा। बस तुम्हें उस वक्त का इंतजार करना है और तब तुम्हें और भी मजबूत इरादों से उस घर में कदम रखना है। जी हाँ, अब तक मैंने अपनी सास के जायज नाजायज बहुत जुल्म उठाए हैं, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर उस वक्त तुम ये बात समझ जाती तो तुम्हारी सास में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि तुम्हें उस घर से बाहर निकाले। आइंदा किसी ने तुम्हें उस घर से बाहर निकालने की कोशिश की या किसी तरह की ज्यादती की तो तुम फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना। आप बजा फरमा रहे हैं, मैं जानती हूँ मेरी सास पुलिस से बहुत डरती है। आइंदा उसने मुझ पर कोई तोहमत लगाई या फिर जुल्म किया तो मैं पुलिस का सहारा लूंगी। एक और बात, आइंदा किसी ने तुम्हें उस घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो तुम बस अपनी सिर पर अड़ी रहना और उस घर से अपने कदम बाहर मत निकालना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, एक बार उस घर में दाखिल होने के बाद मुझे वहां से कोई नहीं निकाल सकता। हमारी चाल तो कामयाब, लेकिन अबीर को इस घर से जाने के बाद भी सुकून नहीं है। क्यों, क्या किया अबीर? फोन आया था अबीर का, ताहा से बात कर रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि भाभी जान यहाँ पर सब खैरियत से हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको इस घर में वापस आना है और मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। झूठी तसल्ली देने से क्या होता है, जब तक मैं जिंदा हूं अबीर की परछाई भी इस घर पर नहीं पड़ सकती। अम्मी, ये ताहा और अना को कोई भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग आपस में मिलकर कोई ऐसा गुल खिलाए जिससे अबीर का इस घर में वापस आना मुमकिन हो जाए। ये नामुमकिन है, अबीर इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती। और अगर आ भी गई तो या तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी या अबीर को जान से मार दूंगी। अरे अम्मी, आप क्यों ये घर छोड़कर जाएंगी? ये घर अबीर के बाप का है क्या? हम लोग ही मिलकर अबीर को जान से मार देंगे और मैं इसमें आपका साथ दूंगी। मंतशा, एक तुम ही तो जो मेरी हौसला अफजाई करती हो, वरना अना और ताहा जब देखो मेरा हौसला पस्त करते रहते हैं। अबीर को इस घर में कभी नहीं आने दूंगी, हरगिज़ नहीं। आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, मैंने समाज में बहुत खुश हूँ। अरे वाह, मेरी जिंदगी में बाहर आ गई है। अरे वाह, आपकी जिंदगी में फिर से बाहर आ गई, ऐसे कैसे सर? वृद्धा है ना जी, उसने मुझे माफ कर दिया
और बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत जल्दी तब्दीली हो गई सर। सब आपकी सलाह की वजह से। थैंक यू सर। वो चारों प्रोजेक्ट जिसमें हम पार्टनर्स थे, मैंने रिदा को सौंप दिया। बहुत अच्छा किया सर। मगर सर एक बात बताइए, अगर बड़े साहब को पता चल गया तो? अब्बू को नहीं पता लगेगा। अरे अभी नहीं पता चलेगा, कभी ना कभी तो उनको पता चलेगा। सारा बिजनेस तो मैं संभाल रहा हूँ मैनेजर साहब, और अब्बू तो हज पे जा रहे हैं। बस मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। सर मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, आई एम विद यू सर। ओके सर। वाह, इसे कहते हैं वफादारी। आपकी वफादारी बेमिसाल है। ताहा के साथ हमारे रिश्ते की परवाह ना करते हुए आपने हमारे बिजनेस के फायदे के बारे में सोचा। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं ताहा साहब की बुराई नहीं कर रहा हूं, वो दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं, बिजनेस को अच्छी तरह समझते हैं। जरा जरा इसमें उनका कोई कसूर नहीं सर। देखिए आप कहना क्या चाहते हैं साफ साफ कहिए। सॉरी टू से सर, सर ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है। ताहा साहब ने रीदा के प्यार को कुछ ज्यादा अहमियत दे दी बजाय बिजनेस के। वजह फरमा रहे हैं। अब देखिए ना, ताहा हमारा खून होकर हमसे धोखा कर रहा है, और आप एक गैर होकर हमारे नफे नुकसान के बारे में सोच रहे हैं। सर मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ अपने से ज्यादा उस कंपनी का भला चाहता हूँ। सर मैं नमक हलाल हूँ, नमक हराम नहीं हूँ सर। हम इस बात से वाकिफ हैं और हम आपसे बे इंतहा खुश हैं। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए। सर ताहा साहब को जरा भी शक ना हो कि ये सब बातें मैंने आप तक पहुंचाई है। आप बेफिक्र हो जाइए, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप हमारी कंपनी के फायदे के बारे में सोच रहे हैं और हम आपको बदनाम करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आप हमसे ये उम्मीद मत रखिए। जी सर। एक बात और, आज से आप ताहा के लिए नहीं हमारे लिए काम कर रहे हैं। ओके सर। हमें बहुत जल्द मुस्तबा वाले प्रोजेक्ट पर कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। जी अब्बू। लेकिन अब्बू अभी तक मुस्तबा साहब का जवाब नहीं आया, उसकी राय जाने बगैर हम कोई फैसला कैसे ले सकते हैं? कब तक, आखिर कब तक हम उनके फैसले का इंतजार करते रहेंगे? अब्बू उन प्रोजेक्ट्स के बिना हमारा कोई काम रुक तो नहीं रहा है, जल्दी क्या है? शायद आप इस बात से वाकिफ हैं कि मुस्तबा से हमारी दुश्मनी किस हद तक बढ़ती जा रही है, और आप हैं कि इतनी लापरवाही के साथ कह रहे हैं अब्बू जल्दी क्या है, हमें रिजल्ट चाहिए था। अब्बू आप मुझे गलत समझ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मैं वही चाहता हूं। तो ठीक है, हम खुद जाकर मुस्तबा से बात करेंगे। नहीं अब्बू आप किस अहम उठाते हैं, मैं मौका देख के बात कर लूंगा। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हमारी बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं अब्बू, आप जैसा हुक्म करेंगे वैसा ही होगा। तो ठीक है, जो करना है सो कर, मगर बहुत जल्द। जी अब्बू। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूं। क्या बात है, आप बात बात पर गुस्सा क्यों होते हैं? तो और क्या करें, जब आपने घर वाले इंटेंशन दे तो आदमी कर भी क्या सकता है?
आपको किसने क्या टेंशन दिया मुझे बताइए, मैं आपका साथ दूंगी। टेंशन दी होती तो और बात, हमें धोखा दिया जा रहा है। साफ साफ बताइए आपको किसने धोखा दिया है। आपका बेटा ताहा। क्या किया है उसने? उसने मुस्तफा के सारे प्रोजेक्ट्स रिधा को सौंप दिए हैं। क्या? जी हाँ, और बेवकूफ बना रहा है हमें। कह रहा था अब्बा हुजूर आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चला? बेगम, हम इतना बड़ा बिजनेस यूं ही नहीं संभालते, हमें हर बात की खबर रहती है। और ये जो हरकत ताहा ने की है उसके लिए हम ताहा को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। ये भी हो सकता है उस पर से हमारा भरोसा हमेशा के लिए उठ जाए। यही नहीं बेगम, अगर वो इसी तरह की हरकतें करता रहा तो हम उसे अपने बिजनेस से हमेशा के लिए अलग भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया अली साहब। कहिए कैसे याद किया आपने? वो अपनी वसीयत के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं? आपको याद होगा कुछ अरसा पहले हमने आपसे जिक्र किया था कि हम अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा आबिर के नाम करना चाहते हैं। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हमने अपना इरादा बदल दिया है। क्या मैं इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ अली साहब? जी, आपको जानने का पूरा हक है, आप हमारे वकील हैं। दरअसल आज तक हम अबीर को नेक और शरीफ समझते थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब हम उसकी सच्चाई जान चुके हैं, उसकी फितरत से वाकिफ हो चुके हैं। देखिए अली साहब, आपके घर के मामलात में मुझे दखल अंदाजी करने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ अबीर को, मुझे उसमें ऐसी कोई बुराई दिखी नहीं है। हो सकता है आपको उसके खिलाफ कोई गलत फहमी हुई हो। जी नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई। अबीर बदचलन है और हम उसकी इस हकीकत से वाकिफ हो चुके हैं, इसलिए हम उसे अपनी वसीयत से बेदखल कर देना चाहते हैं। ठीक है अनीता, जैसे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम, आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आप बहुत खुश होंगे। अच्छा, क्या अबीर का एक्सीडेंट हो गया? क्या वो मर गई? बेगम, आप तो हाथ धोकर अबीर के पीछे पड़ गई, ना तो वो मरी है और ना ही उसका एक्सीडेंट हुआ। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है? आप तो बिना पूरी बात सुने ही गलत नतीजे पर पहुंच जाती हैं। सॉरी। पहले ये तो सुनिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। फरमाइए। आज हमने ऑफिस में वकील साहब को बुलाया। अच्छा? और उन्हें हिदायत दी कि हमारी जायदाद में से अबीर को कुछ नहीं मिलना चाहिए। हमारी वसीयत में उसका नाम नहीं होना चाहिए। सच? बिल्कुल सच। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आपके इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम आपके जहन में बात आई तो सही। मैं तो इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। अबीर का हमारी प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। वाकई बेगम, ये बहुत अच्छा हुआ। जिंदगी में पहली बार जज्बाती ना होकर हमने ये फैसला लिया है कि हमारी जायदाद में अबीर को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अल्लाह जो करता है
अच्छा ही करता है। अगर आप ऐसा कर देते तो सिवाय पछतावे के हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। आप मजाक फरमा रही हैं। लेकिन एक बात मेरे जहन में उभर कर आई है। कौन सी बात? अबीर इस घर से चली तो गई लेकिन वो हद से ज्यादा चालाक है। क्या मतलब? अबीर अपने हक को लेकर तो खामोश रह सकती है लेकिन बिलाल का हक जरूर मानेगी। दादा की जायदाद में पोते का हक तो होता ही है। अगर उसने इसके लिए दावा ठोक दिया तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बेगम। ये बात तो हमने सोची भी नहीं। इस मसले को लेकर आपको वकील साहब से मशवरा करना चाहिए। दुरुस्त फरमा रही हैं। आप फौरन इस बात का पता लीजिए और क्या हल निकल सकता है इस पर अमल कीजिए। बेदखल किया जा रहा है। ये तुम्हें कैसे पता चला? अबू और अम्मी के दरमियान बात चल रही थी। अच्छा, अबू ने वकील साहब को हिदायत दी कि वसीयत से आपका नाम हटा दिया जाए और अम्मी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। अगर अम्मी इस बात से खुश है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं तो पहले भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अम्मी के नाम करना चाहती थी। मुझे इस घर से प्रॉपर्टी नहीं, प्यार मोहब्बत और हमदर्दी चाहिए। वाकई भाभी जान, आपके इरादे कितने नेक हैं। आपके साथ इस घर में नाइंसाफी हुई है। भाभी जान, एक बात का इल्म मुझे और हुआ है। कौन सी बात का? ये बात साबित हो गई है कि आपको घर से निकालने में अम्मी और मंतशा का हाथ है। भाभी जान, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। लेकिन मैं तन्हा तो नहीं लड़ सकती। क्या तुम मेरा साथ दोगे? जरूर भाभी जान, मैं आखिरी दम तक आपका साथ दूंगा, ये मेरा वादा है। से डरी अम्मी।
आप मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगाकर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। बेशर्म, बेहया, गुनहगार तो तू है। और ये बात भी कोई यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि बच्चा हारिस का ही है? अम्मी, मेरी कोख को गाली मत। आपकी जुबान से उगले हुए जहर को एक बहू दबी जाएगी, लेकिन एक माँ खामोश नहीं रही। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे कौन से हक हैं और मैं उन्हें किस तरह हासिल करती हूँ। याद होगा मैंने आपको कुछ हिदायत दी थी। किस बारे में? हारिस के प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ, याद है। आपने हारिस के प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। मैं इस प्रोजेक्ट में पूरा इंटरेस्ट ले रही हूँ, मेरी कोशिश जारी है। फिर क्या वजह है कि ये प्रोजेक्ट आपके हाथ नहीं आया? माधवानी साहब ने एक महीने का वक्त मांगा है। क्यों? क्योंकि अली आवर साहब की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट माधवानी साहब तक पहुंचना बाकी है। क्या आप जानती हैं कि महीने भर का वक्त खत्म होने वाला है? अभी 3 दिन बाकी है। अगर 3 दिन में काम पूरा ना हो और माधवानी साहब कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर आपको एक्शन लेना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। ये प्रोजेक्ट मैं हर हाल में हासिल करके रखूंगी और ताक को नीचा दिखाऊंगी।